ठीक है, पर जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो मेरे बैचमेट्स हैं, उनको मैंने देखा वो इंग्लिश उनको नहीं आ रही है, तो उनको अलग से क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है, उनको टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है कॉलेज से। तो मैंने सोचा कि मैम जब हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में, मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, प्रोफेसर्स भी मोस्टली कंफर्टेबल हैं हिंदी में, तो हम हिंदी में क्यों नहीं बात करते। तो इस वजह से मैम मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी इंटरव्यू अगर दूंगा तो मैं वो हिंदी में ही दूंगा, चाहे अगर सिविल सर्विस में भी देता मैम तो हिंदी में देता मैम। तो आरबीआई में मैं मौका मिला, मैंने हिंदी ही भरा मैम, क्योंकि मैं उसमें एक पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है हिंदी, सिलेक्शन होता है हिंदी वालों का भी। मैं मेरे जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे उनमें भी कई सारे लोग थे हिंदी लैंग्वेज में, और वहाँ पे लोग डर रहे थे कि क्या हिंदी में हमें कुछ डिसएडवांटेज है, क्या हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता मैम, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो, आपको हिंदी बोलना है हिंदी बोलो, आपको हिंदी में नहीं कोई टर्म याद आ रहा है तो इंग्लिश में उसको यूज़ करो। मैम मैं तो इसी वजह से मैम इस पॉइंट को क्रिएट करने के लिए इस तरह का इंसेंटिव मैंने लिया इसमें।